नोटबुक दिख रहा है। यस सर। शुरू करें? यस सर। चलो, आज कैलकुलस का लास्ट लेक्चर है, आज आपका कैलकुलस खत्म हो जाएगा। लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन में मैंने फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बताया था, दैट इज इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है सर? यस सर। यस सर। और उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ सर, वो लास्ट टाइम आपने असाइनमेंट 1 भेजा था इंटीग्रेशन का। किसका? इंटीग्रेशन का? हाँ सर। हाँ सर, मैं डाउट। सॉल्यूशन भी भेजा था मैंने। हाँ सर, भेजा था। फिर भी डाउट है? हाँ सर, नहीं समझा मुझे। पूछ लो, नंबर बोलो। चलो पहले डाउट से कर लेते हैं। 20th क्वेश्चन। आंसर 21। नंबर क्या क्या बोला बेटा? 20 और 21। 20 और 21 ना? और सर 24th वाला। 20, 21 और 24th, ये तीनों, यही तीन डाउट है ना? हाँ सर, वो सेक्शन बी का। ठीक है, एक मिनट मुझे वो असाइनमेंट खोलने दो। कौन सा असाइनमेंट क्या नाम से दिया था मैंने? सर असाइनमेंट 1 नहीं था, इंटीग्रेशन का, एंटी डिफरेंशिएशन। अच्छा, एक सेकेंड रुको। सॉरी, सेक्शन बी का पूछ रहे हो? हाँ सर। अच्छा, सेक्शन बी में देखो कौन सा नंबर बोला। 20, 21, 24। ठीक है, दोनों नहीं होगा आपसे अभी। 20 नहीं होगा, अभी पढ़ा दूंगा तब होगा। 21 भी नहीं होगा। तो ये डिस्कशन से पहले थोड़ा पढ़ा देता हूँ। चलो, सो नेक्स्ट टाइप हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ए लिखा था या 1 लिखा था मुझे नहीं याद है। अगर ए लिखा था तो टाइप बी समझ लो, 1 लिखा था तो टाइप 2 समझ लो। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इनफाइनाइट है इसके, इसका कोई टाइप नहीं, इनफाइनाइट है। इसमें से कुछ एक सब्स्टिट्यूशन हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करने में कभी कभी ऐसा दिखेगा। देखो, इफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डीएक्स इज कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी डीएक्स, ये हो जाएगा x की जगह ax प्लस बी है तो आंसर में भी ax प्लस बी,
और x का कोफिशियंट a है तो a से डिवाइड हो जाएगा। इसका प्रूफ देखो, ब्लू कलर, अब इसका प्रूफ देखो। तो मुझे जो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है वो तो है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी डीएक्स, यही करना है ना। और जो हमें मालूम है वो मालूम है कि अगर एक्स प्लस बी की जगह एक्स रहता तो हम इंटीग्रेट कर लेते। यस सर। सो लेट जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देन डी जेड बाई डी एक्स ये ए हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। तो यहां से हम लिख सकते हैं डी जेड अपॉन ए इज डी एक्स। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन अब क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी की जगह जेड आ गया और डी एक्स की जगह डी जेड अपॉन ए आ गया, है ना। तो ये कुछ ऐसा हो गया वन बाई ए इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो कैपिटल एफ एक्स मुझे मालूम है, तो ये हो जाएगा वन बाई ए कैपिटल एफ जेड प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। और जेड क्या है, एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा वन बाई ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी प्लस सी, ऐसा कुछ आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में? यस सर। हाँ सर। नहीं सर। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको यूज कैसे करते हैं वो अभी सिखाता हूँ। सर नहीं समझ आया। कॉपी करो सर। कॉपी करो। हाँ सर। कॉपी करो, फिर इसके दो चार एग्जांपल बताता हूँ तो समझ आएगा। Thank you.
हो गया? यस सर। यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लो सपोज ऐसा क्यों हो गया, एक सेकेंड रुकना, वो इस पेज की सेटिंग ठीक कर रहा हूँ। देखो सपोज किसी ने मुझे कहा कि इंटीग्रेट कीजिए साइन ऑफ 3x + 5 dx। तो जैसे अभी मैंने कहा कि लेट z इज इक्वल टू 3x + 5, फिर यही सब करो, नहीं तो शॉर्टकट देखो, साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस। माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस ही रहेगा, x की जगह 3x + 5 और x का कोएफिशिएंट 3 डिवाइड हो जाएगा प्लस c, ये आंसर हो गया। आया समझ में? हाँ सर। और नहीं तो जैसे इसको प्रूव किए हैं वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कोई पूछे अंडर रूट 3x - 4 dx, तो केवल रूट एक्स होता तो क्या आंसर होता? बोलो, केवल रूट एक्स होता तो क्या आंसर होता? ओ भाई साहब, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? x + 3/2/3/2। तो 2/3 x³/3/2 होता, तो 3x - 4³/3/2 और x का कोएफिशिएंट 3 है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c, सो हमारा आंसर हो जाएगा 2/9 3x - 4³/3/2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? तो कैसे यूज करते हैं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल लिखने के बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही जो मन में आता दे देता हूं। सपोज अंडर रूट e^-x dx, क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x - 4 dx, क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेशन ऑफ e^2x - 5 dx, क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x + 3² dx, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x. कॉस 2x नहीं कॉस x. क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स. और दो इतना ही करो सर. हाँ वो सेकंड वाला एक बार समझाओ ना. सेकंड एग्जांपल सर. क्या समझाऊं बोलो. बोलो क्या समझाऊं. इसका मतलब है घर में कुछ प्रैक्टिस नहीं किया है. रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो मुझे बता दो फिर आगे मैं बताऊंगा. रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो मुझे खुद बता दे तभी आगे बताऊंगा मैं. बताओ. बोलो बेटा. सर x रेज टू हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय हाफ प्लस वन. हाँ तो हाफ प्लस वन ये सब करके क्या होगा. थ्री बाय टू. समझ गया सर. समझ गया ना इसीलिए बोला था खुद से करो. Thank you.
हो रहा है कुछ? हाँ सर। फर्स्ट हुआ? हाँ सर। क्या आया? e रेज टू माइनस एक्स। बक e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स होता तो ये e रेज टू माइनस एक्स होगा और x का कोफिशिएंट माइनस वन से डिवाइड होगा। हाँ, तो माइनस e रेज टू माइनस एक्स प्लस सी होगा ना। हाँ सर ये। सेकेंड का कुछ हुआ? हाँ सर। क्या बताओ? ln of 3x minus 4 plus c but divided by 3 हां सर x का कोफिशिएंट 3 से डिवाइड किया और फिर ln of 3x minus 4 plus some constant c। आया समझ में? हां सर। थर्ड का e raised to 2x minus 5 by 2 plus c plus वेरी गुड। सो e रेज टू 2x माइनस 5 अपॉन 2 प्लस c। ये सब्स्टिट्यूशन वाला ट्रिक एक समझ आया? हाँ सर। फिफ्थ का सॉरी फोर्थ का कर रहे हो क्या अभी? सर मेरा आ रहा है कुछ माइनस फिर ब्रैकेट में 4x प्लस 3 रेज टू माइनस 1 बाय 4 प्लस सी ऐसा कुछ आ रहा है। सही आ रहा है। इसका हो जाएगा माइनस 1 बाय 4 इनटू 4x प्लस 3 ऐसा प्लस सी। हाँ सर ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सिक्स सेवेंथ ये तीनों सॉल्व कर लिए तो समझूंगा दिमाग चलता है। एक मिनट मैंने गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या करो बीच में प्लस लिख दिया है। प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन है वो इनटू कॉस स्क्वायर एक्स है वो। Thank you.
बोलो कुछ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है, अगर ध्यान से देखोगे तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें, कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं आ रहा है इसमें, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना है कि ऊपर में कुछ नहीं है, वन है, तो उस वन को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो अब टर्म अलग अलग कर दो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। होगा? हाँ सर। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? tan x plus tan x, और cosec square x का minus cot x, तो tan x minus cot x plus c, ये आंसर होगा। आया समझ में? सर वो c तो एक ही लेना ना, मतलब क्या बोल रहे हो सर? मतलब sec square x में भी एक प्लस c और दूसरे में भी, पर c तो एक ही आ रहा है ना, मतलब c तो जस्ट सिंबॉलिक कांस्टेंट है। हां वही लिखो या सबके बदले एक बार लिखो। हां सर, ये दोनों में कोई आईडिया? इन दोनों के लिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, मैथ्स में पढ़ चुके हो, cos 2a क्या होता है? cos square theta 2 cos square a minus 1 लिख सकते हैं। हाँ सर। या इसी को 1 minus 2 sin square a भी लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर, समझा सर। अब इस हिंट से 6th और 7th कोशिश करो करने का खुद से।
मिला कुछ? चलो सिक्स देखो, वन प्लस कॉस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, लिख सकते हैं? यस सर। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो गया, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो रूट टू बाहर, इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू डीएक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। साइन एक्स, तो ये मैं लिख दिया साइन ऑफ एक्स बाई टू, और x का कोफिशियंट 1 बाई टू से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा। सो फाइनली माई आंसर इज 2 रूट 2 साइन ऑफ x बाई टू प्लस सी। आया समझ में? हाँ सर। अब शायद सेवेंथ खुद कर लोगे? यस सर। सर एक बार फोर्थ वाला समझाओ ना। तो मुझे मुझे नहीं आता ऐसा। कुछ से सोच सर। सिक्स वाला एक और बार समझाओगे? नहीं आता ही नहीं। प्लीज। अरे नहीं आता भाई। जो भी किया सिक्स ये? यस सर। ओ भाई साहब, जो मैंने कॉस 2a का फॉर्मूला लिखा, बायो का है कि मैथ का है? तू मैथ। तब तो तुम्हारा खून पी जाऊंगा मैं। तो cos 2a का जो फॉर्मूला लिखा मैं, उसमें 2a की जगह x पुट कर दो तो a क्या हो जाएगा? x by 2 हो जाएगा। ओ ओ ओके सर, समझा। थैंक यू सर। फोर्थ कौन पूछ रहा था? चमका कोच? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। बधाई हो।
हो गया, आगे बढ़ूं? बोलो सेवेंथ का आंसर क्या आया? माइनस टू रूट टू कॉस एक्स बाई टू बाई, वेरी गुड, माइनस टू रूट टू कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस सी, वेरी गुड। तो ये हुआ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक टाइप का। सर सेवेंथ वाले के बाद सॉल्विंग दिखाएंगे? नहीं दिखाऊंगा। अरे सेकंड फॉर्मूला वन माइनस कॉस टू ए टू साइन स्क्वायर ए होगा। इस फॉर्मूले से कॉस टू ए को इधर ले जाओ तो वन माइनस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद तो वही है जैसा पहले था, केवल कॉस की जगह साइन होगा, समझा? हाँ सर समझ गया। चलो तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या लिखा था? वन टू टाइप वाइप कुछ तो लिखा था, फर्स्ट लिखा था। अब सेकंड देखो, कभी कभी आपको कुछ इंटीग्रेशन ऐसा भी मिल सकता है जिसमें कोई फंक्शन हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी वहीं पर हो और कुछ कांस्टेंट वांस्टेंट भी रहे, नहीं मतलब है। सो दैट इज मतलब हमेशा मैं समझू कि प्रोडक्ट में ही रहेगा, मैं ऐसा कहता हूं इसको ऐसा। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज प्रेजेंट एंड its derivative f dash x is also present with dx, then it is advisable to substitute z is equal to fx and dz common sense it. वो f डैश x dx हो जाएगा। एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे मान लो मुझे इंटीग्रेट करना है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव होल टू द पावर कुछ भी 20 लिख दो। अब अगर ये 20 नहीं होता तब तो मल्टीप्लाई करके कर देते, है ना? तो अब इसमें क्या करें? तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का डेरिवेटिव को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx होगा, तो x dx तो मुझे दिख ही रहा है, केवल 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, तो dz by dx क्या हो गया, 2x हो गया। हाँ सर। तो dz by dx 2x हो गया, इसका मतलब है कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि dz by 2 ये हो गया x dx,
तो अब देखो मेरा इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया, x इंटू डी एक्स की जगह मैं लिख दिया डी जेड बाई टू, और x स्क्वायर प्लस 5 की जगह लिख दिया z, तो z टू द पावर 20। आई बात समझ में? तो ये ऐसा हो गया 1 बाई टू z टू द पावर 21 अपॉन 21 हुआ, और z क्या था, x स्क्वायर प्लस 5 था, तो ये कुछ ऐसा हो गया 1/42 एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल टू द पावर 21 प्लस सी। ये मेरा आंसर हो गया, है ना? हाँ सर। एक और एग्जांपल देखो, मैंने साइन कॉस सेक स्क्वायर ये सब का इंटीग्रेशन बताया, टेन एक्स के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं बताया था। हाँ सर। तो सपोज मुझे इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स निकालना है, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हाँ सर। अब मनी मन सोचेंगे कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो साइन एक्स डी एक्स तो यहाँ दिख रहा है, तो क्यों ना हम कॉस एक्स को जेड अज्यूम कर लें, लेट जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो मेरा डी जेड हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स हो गया। मतलब ये इंटीग्रेशन अब मेरा क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी जेड लिख देंगे, सो माइनस डी जेड अपॉन जेड लिख सकते हैं, तो 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ जेड ln जेड, तो माइनस ln जेड प्लस सी। जेड किसको लिया था, कॉस एक्स को, तो माइनस ln cos x प्लस सी, और भी मन करे तो माइनस साइन को अंदर ले जाओगे तो 1 बाई cos हो जाएगा, तो ln sec x प्लस सी, ये आपका tan x का डिफरेंशियल के इंटीग्रेशन का, आगे जाके मैथ में पढ़ोगे तो एज अ फॉर्मूला भी यूज करेंगे, बट अभी एज अ सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल देख लो। चमका कोच? हाँ सर। तो इसको लिख लीजिए, फिर इसके कुछ एग्जांपल कोशिश करता हूँ देने का।
सर हाँ सर, वो सेकंड सम का लास्ट स्टेप समझो ना, क्या माइनस एल एन कॉस एक्स को सेक एक्स कैसे लिखा? हाँ सर। अच्छा हाँ सर, तो क्या होता है कि लॉग माइनस लॉग एक्स को लॉग वन बाई एक्स लिख सकते हैं। लॉग पढ़ाया है सर ने? हाँ सर। तो लॉग सर ने पढ़ाया होगा तो ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़े हो, लॉग माइनस लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन बाई ए। हाँ सर। हाँ सर, तो बस वही कहानी है। तो माइनस लॉग सेक एक्स था तो वन बाई सेक एक्स कर दिया, माइनस लॉग कॉस एक्स था तो लॉग वन बाई कॉस एक्स कर दिया तो सेक एक्स हो गया। हाँ सर। चमका? हाँ सर। हाँ सर। लिख लिया क्या? एक मिनट। हाँ सर। आगे बढ़ूं? रुको सर। ठीक है रुका हूँ। हो गया? यस सर। ठीक है, अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करो। क्या है कि बुक में वैसा है नहीं, अपने मन से ही कुछ कुछ देता हूँ लोगों, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे पहला प्रैक्टिस तो अभी मैंने टेन का निकाल के दिखाया है ना, वैसे ही कॉट एक्स का फॉर्मूला खुद डिराइव कर सकते हो। दूसरा, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, इंटीग्रल ऑफ टू एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स। क्वेश्चन नंबर फोर, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, इंटीग्रल ऑफ
और क्या दूं बताओ? x dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन अरे चलो ये करने दो tan x dx। चलो इतना ही करो, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए।
हो गया बताओ।
जैसे फर्स्ट वाला है cot को हम लोग cos अपॉन साइन लिख सकते हैं। यस सर। जैसे मैंने tan का किया वैसे ही इसको करेंगे तो ये ln sin x plus c होगा। हाँ सर आया सर। तो फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यस सर। सेकंड वाला बोलो, किसी को आया कुछ आंसर? नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 प्लस c। हाँ सर यही है। 1/2 ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 प्लस c, ऐसा कुछ आया? हाँ सर। हाँ सर यही है। बहुत अच्छा, मुझे बताना हो तो बोलना। थर्ड का माइनस ऑफ e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी, ऐसा कुछ आया? हाँ सर यही है। हाँ सर ये आया। बहुत बढ़िया सर, ये बताना कौन सा बता दूं? थर्ड वाला। थर्ड वाला यस सर। ठीक है, सो थर्ड वाले के लिए क्या करते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, सो डी जेड बाई डी एक्स इज माइनस 2x, सो डी जेड इज माइनस 2x dx, है ना? सो 2x dx is minus dz होगा? Yes sir. तो मैं अब इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, minus e raised to z dz, तो ये क्या हो जाएगा, minus e raised to z plus c, That is minus e raised to z किसको लिया था, तो minus x square plus 3 को plus c, answer। थर्ड में कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। फोर्थ, फोर्थ का आंसर कोई बताएगा? नहीं। हाँ सही किया, ऐसा कुछ आया? नहीं सर मेरा। नहीं सर आप एक बार बताइए ना। ये नहीं है। ओके चलो, जिसका नहीं आया इधर देखो, इसमें क्या करते हैं, साइन का डिफरेंशियल कॉस ऊपर दिख रहा है, तो लेट जेड इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मेरा डी जेड हो गया कॉस एक्स डी एक्स हो गया। हाँ सर। तो ये मेरा इंटीग्रेशन अब क्या हो गया, अब ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रल ऑफ डी जेड अपॉन जेड क्यूब, दैट इज इंटीग्रल ऑफ जेड रेज टू माइनस 3 डी जेड, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 जेड रेज टू माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1। यस सर। तो ये हो गया माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। हाँ सर। तुमका कुछ? हाँ सर। हाँ सर। तो फोर्थ लिख लो, फिफ्थ सिक्स्थ भी कोशिश करो। सर थोड़ा सा ज़ूम आउट करना।
बोलो फिफ्थ और सिक्स्थ का क्या सीन है? सर फिफ्थ का आ रहा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सी। सही आ रहा होगा शायद, देखते हैं। मैं तो यही कुछ दे दिया वैल्यू। देखते हैं फिफ्थ, देखते हैं। फिफ्थ में लेट जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। Yes. Then dz will become 2x dx. That is x dx will become dz upon 2. Yes. Anna? So my integration will become integral of 1 by 2 dz upon root z. Sir, I am. तो रूट जेड का वन अपॉन रूट जेड का मतलब क्या हो गया? जेड टू द पावर माइनस हाफ। यस। सो वन बाय टू इंटीग्रल ऑफ जेड टू द पावर माइनस हाफ डी जेड। यस। तो ये हो जाएगा वन बाय टू माइनस हाफ प्लस वन प्लस हाफ अपॉन प्लस हाफ प्लस सी। तो ये प्लस हाफ गया, तो ये बच गया रूट जेड प्लस सी। That is under root x square plus 3 plus c. Yes, sir. आया समझ में? हाँ सर। सेस्ट करो कोशिश।
सिक्स्थ बोलो हुआ? यस सर। क्या हुआ? सॉरी सर, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। सर, इट्स नेचुरल लॉग ऑफ 10x प्लस सी। नहीं, देखो इसको देखोगे तो ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा है, sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस cot x, ऐसा कुछ है? हाँ सर। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट पार्ट हो गया sec स्क्वायर x dx अपॉन tan x, दूसरा पार्ट हो गया cot x dx। हुआ? फर्स्ट पार्ट में दिख ही रहा है टैन का डिफरेंशियल sec स्क्वायर ऊपर, तो मैं सीधे लिख दूं ln tan x। हाँ सर। और cot का अभी ऊपर निकाला था कितना? ln sin x। ln sin x प्लस c, ऐसा कुछ आंसर होगा। बहुत चाहो तो ये भी कर सकते हो, log a प्लस log b, log a into b होता है। हाँ सर। तो tan x into sin x भी लिख सकते हो अगर मन करे। तो ln of tan x into sin x प्लस c, ठीक है? Yes. ये सब कुछ इंटीग्रेशन है जो मोर देन सफिशियंट है। अब आपको इससे ज्यादा की जरूरत फिजिक्स में नहीं पड़ेगी, तो मैं फिजिक्स क्या बुकलेट वुकलेट देखोगे तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बता दिया। इंटीग्रेशन खत्म। अब मुझे इंटीग्रेशन का आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना है। जैसे डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता था स्लोप ऑफ टेंजेंट, यस सर, वैसे ही इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए। सपोज कोई भी एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये है x इज इक्वल टू x1 और ये है x इज इक्वल टू x2, तो इसके बीच का जो एरिया अंडर कर्व होता है वही एरिया अंडर कर्व है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लोअर लिमिट एक्स वन अपर लिमिट एक्स टू, ठीक है? सो एज अ रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज equivalent to area bounded by the curve y is equal to fx, comma x is equal to a, comma x is equal to b and x axis, है ना? ये इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। तो पहले इसको कॉपी कर लो फिर इसमें आगे बढ़ते हैं।
गया? नहीं सर। सर बोलो सर, वो ग्रीन में आपने जो लिखा एक बार समझाओगे? कुछ नहीं, ये जो मैंने बोला है ना कि ये कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया इस इंटीग्रेशन के बराबर होगा, उसी बात को लैंग्वेज में लिखा है। अच्छा ओके सर। हो गया? कभी कभी क्या होगा, मान लो यही ग्राफ है ऐसा कुछ, इसमें ये मान लो x1 है, ये मान लो x2 है, ये मान लो x3 है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये जो एरिया होगा उस एरिया की वैल्यू, जैसा अभी मैंने सिखाया fx, मतलब ये ग्राफ मेरा y is equal to fx का है मान लो, तो एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल फ्रॉम एक्स वन टू एक्स थ्री है ना, ये होगा इस एरिया के बराबर। मान लेते हैं ये एरिया ए वन है, तो ये आपको ए वन मिलेगा। ये एरिया अगर ए टू है तो जब आप इंटीग्रेट करोगे इसको, दैट इज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स थ्री टू एक्स टू, तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगा वो माइनस ए टू के बराबर मिलेगा। दैट इज अगर किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब है कि एरिया एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा होगा। ये बात समझ आई? हाँ सर। हाँ सर। और अगर मान लो एक ही बार पूरा इंटीग्रेट कर दिया, सपोज एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू, तो ये जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो ए वन माइनस ए टू के बराबर मिलेगा, है ना। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज इफ area under curve lies below x-axis, then integration will
come out to be negative. However, its magnitude will be equal to geometrical area. ठीक है सर, जो कांस्टेंट आता है वो कहां से आता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन में कहां कांस्टेंट आता है बेटा? ओ ओके सर, हो गया? एक मिनट, सबका हो गया? हाँ सर। अब देखो, ये बात तुम लोग जाने अनजाने में पढ़ चुके हो, कभी ध्यान नहीं दिया होगा। वैसे तो काइनेमेटिक्स 2 में इस बात को डिटेल में बताऊंगा, बट अभी तुमको जस्ट याद कराने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को हम ds by dt लिख सकते हैं। यस सर। यस हाँ सर। तो ds को हम लोग v dt लिख सकते हैं। यस सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दोगे अगर, तो इंटीग्रल ds इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt फ्रॉम 0 टू t, ऐसा कुछ? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट s क्या हो जाएगा मेरा? इंटीग्रल ऑफ v dt, है ना? हाँ सर। तो अगर मेरा y एक्सिस पर वेलोसिटी है और x एक्सिस पर टाइम है, तो स्कूल में पढ़ाता था ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। हाँ सर। हाँ सर। तो वही है ना, y dx, y की जगह v, x की जगह t। हाँ सर, समझा सर। हाँ सर, है ना? सो इसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, बट ऐसे समझो ये जितना पढ़ चुके हो उतना का एग्जांपल दिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो स्कूल में भी सिखाता था। हाँ सर। हाँ सर। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं, इनफाइनाइट हैं, वो तो मैंने ऐसा एग्जांपल चूज किया जो आप समझ पाओ इसके लिए।
जो जाने अनजाने में आप जानते हो लेकिन आपको पता नहीं है कहाँ से आया। आए समझ में? हाँ सर। ठीक है, इसी के साथ कैलकुलस खत्म आपका। नेक्स्ट लेक्चर से काइनेमेटिक्स 2 स्टार्ट करेंगे। सर एक मिनट ये बाकी है। हाँ लिख लीजिए इसको, इसको लिख लीजिए, उसके बाद लिखने के बाद सब लोग एक एक करके अपना एग्जिट होते जाओ। आज के लिए इतना ही, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, बाय। ओके सर, थैंक यू सर।